गाइस वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमेशा से मुझे एक रिक्वेस्ट आती है कि मैम कॉलेज या स्कूल हम जाते हैं और हम जॉब करते हैं, हम बॉय हैं, लड़के हैं, लड़की हैं, आंटी हैं, अंकल हैं या फिर हाउसवाइफ भी है, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता डीआईवाई बनाने का, तो कोई आसान सा मेथड बता दीजिए जिससे हमारी स्किन प्रॉपरली डीआईवाई की तरह पूरी हाइड्रेट रहे, सॉफ्ट रहे एंड कोई ऐसी चीज़ जिसे हम कैरी भी कर पाएँ। तो काफ़ी सोचने के बाद और काफ़ी सर्च करने के बाद एक प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। इसके अंदर काओलिन क्ले है, काओलिन क्ले को नेचुरल क्ले भी कहा जाता है। ये बहुत प्योर होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, क्या बताऊँ, इसको चाइना क्ले भी कहा जाता है। और अगर इसको लेने की बात करूँ तो अगर आपको चाहिए होगी तो नीचे लिंक दे दूँगी, लेकिन मुझे कमेंट करके बताना होगा तो मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ पर क्लिक करके इसे खरीद भी सकते हैं। तो ये जो काओलिन क्ले होती है वाइट कलर की होती है, बिल्कुल सफ़ेद होती है और बहुत सॉफ्ट होती है, स्किन को बहुत टाइट, बहुत ब्राइट, बहुत सूद करती है। एंड वन थिंग बोर्ड, जो सबसे स्पेशल बात है इस काओलिन क्ले की, ये बिल्कुल मुल्तानी मिट्टी की तरह होती है, मतलब जितना इफेक्ट वो देती है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा देती है, 3-4 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होती है मुल्तानी मिट्टी से। और अब हमें चाहिए, जैसे कि डीआईवाई हम बनाते हैं, मैं उसके अंदर यूज़ करती हूँ काओलिन क्ले ऑयल यूज़ करती हूँ, एक दो इन्ग्रीडियंट और डालती हूँ जिससे हमारी स्किन इफेक्टिव हो पाए। एंड मेरे दोस्त बोलते हैं कि मैम हमारी स्किन ऑयली है, कुछ लोगों की स्किन ड्राई होती है, कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, कुछ लोगों की स्किन सुपर सेंसिटिव होती है। तो काफ़ी सोचने के बाद कि मैं ऐसा क्या प्रोडक्ट लेके आऊँ जो एक रिव्यू के अंदर ही सभी की हेल्प हो जाए, जितने भी मेरे दोस्त हैं, राइट। तो गाइज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ये प्रोडक्ट, ये इकाई का ये प्रोडक्ट है। इसके अंदर काओलिन क्ले बनी बनाई है, मतलब सब ऑयल इसके अंदर है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, केमिकल फ्री है, और इसके अंदर काओलिन क्ले है, कोकोनट ऑयल है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नेचुरल हैं, जो आपकी स्किन को काफ़ी टाइट करने में, ब्राइट करने में, सॉफ्ट करने में और काफ़ी रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करती है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आप इसे थोड़ा सा, यहाँ पे निशान दिया हुआ है यहाँ पे, इसे थोड़ा सा काट लीजिए यहाँ से, इसे इसी तरह से बस काटें और रैप करके इसे आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसका पूरा प्रोडक्ट जो है इसके अंदर काओलिन क्ले का बना बनाया, इसके अंदर कुछ भी फालतू का नहीं डाला है। जैसे अगर आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर मुझे, इसके अंदर पाउडर होगा, इसके अंदर मुझे कुछ अलग से, जैसे कि दूध मिक्स करना होगा, पानी मिक्स करना होगा या यू नो रोज वाटर मिक्स करके लगाना होगा, बिल्कुल नहीं। बना बनाया ये पैक है, आपने इसे जस्ट निकालना है, पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है, लेकिन चाहे धो लीजिएगा उससे पहले, तो पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर लीजिए और 10 से 20 मिनट तक आपने इसे फेस पे रखना है, प्रॉपर ड्राई होने दीजिए। जब ये प्रॉपर ड्राई हो जाए तो इसे फेस को वॉश करें, फेस बहुत फ्रेश फील करेगा, स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाएगी, स्किन काफ़ी लाइक आपको पहले से बहुत इफेक्टिव लगेगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत इफेक्टिव है, कैरी करना बहुत आसान है, जस्ट इसे फोल्ड कर लें, लुक एट दिस, फोल्ड कर लीजिए, यहाँ पे रबर डालें, कुछ भी डालें, अपने बैग में डालें और जहाँ पे भी जा रहे हैं आप इसे आराम से अपने साथ रख सकते हैं। लाइक शॉपिंग करने जा रहे हैं तो पोल्यूशन होता है, डस्ट होता है, कितना कुछ होता है बाहर, सनलाइट होती है पूरी स्किन के ऊपर, मतलब ऐसी की तैसी मार देती है स्किन की। तो आप घर पे आके अपने चेहरे को धो के जस्ट इसे अप्लाई कर लीजिए और बस रिलैक्स हो जाए और स्किन बहुत सूद, सॉफ्ट एंड ब्राइट हो जाती है। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो आप इसे खरीद भी सकते हैं, नीचे लिंक दे दूंगी, लेकिन मुझे कमेंट करके बताइएगा तब मैं आपको बता दूंगी कि ये कहाँ से मिलेगा। सो अब दोस्तों मैं मिलूंगी अब नए रिव्यू के साथ। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का साइन होता है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि ये आसान से प्रोडक्ट आप लोगों के साथ ऐसे रिव्यू और भी शेयर करती रहूँगी जो आपकी लाइफ को ईजी बना देंगे। एंड वन थिंग मोर गाइज, के इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आप मिलूंगी नए वीडियो के साथ और नए रिव्यू के साथ, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।